हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये सूजी ले लिया है। सूजी को हमने चाल लिया है, मैंने 1 किलो सूजी ली है। और इधर एक कढ़ाई में गरम करके देसी घी डाल दिया है मैंने। इसके बाद देसी घी को गरम करेंगे, और घी गरम होने के बाद इसमें मैंने सूजी डाल दिया है। सूजी को हमें घी में ही रोस्ट करना है, क्योंकि घी में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है गुजिया में। तो हम इसको घी में ही रोस्ट करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको आराम से रोस्ट कर लेंगे। बराबर चलाते रहना है इसको, अगर आप छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। तो इसको चलाते हुए इसको हम रोस्ट कर रहे हैं। ये देखो, जब ये इस कलर में आ जाए तो यानी ये रोस्ट हो चुका है। इसमें से खुशबू आने लगती है बहुत अच्छी। ये देखिए, हो चुकी है। तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने निकाल लिया इसको दूसरे बर्तन में। वापस से उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, और ये काजू बादाम है जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है, इसको हम इसमें डाल देंगे। आप इसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं, आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने सिर्फ काजू और बादाम लिया है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे आराम से भून लेंगे। इसको भूनेंगे इसलिए क्योंकि इसमें जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है, हलवाई वाला फ्लेवर आएगा, तो इसको भूनना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम थोड़ा सा घी में भून लेंगे, भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, और ये नारियल है, सूखा नारियल। सूखा नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया है, ग्रेट किया हुआ नारियल मैंने इसमें डाल दिया है। नारियल को भी थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे, 2 मिनट तक इसको रोस्ट किया है मैंने। ये देखिए, निकाल लेंगे इसको, ये हो चुका है। ये देखिए, इसको मैंने निकाल लिया है। अब ये मावा है, इसको कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, और मावा को हम थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए, इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। हाई फ्लेम पे ये जल जाता है, तो लो फ्लेम पे ही इसको आराम से मेल्ट होने देंगे। ये देखिए, हो चुका है, आराम से हो रहा है। देखिए, आराम से ये मेल्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे, और इसमें डाल देंगे हमने जो रोस्ट किया हुआ सूजी रखा है, वो डाल देंगे इसमें, और इसको मिला लेंगे अच्छे से। होली आने वाली है, और मैंने होली की तैयारी तो अभी से शुरू कर दी है। आप लोग भी शुरू कर दीजिए, और ये गुजिया बनाइए। गुजिया तो हर घर में बनती है होली में, तो आप भी इस तरीके से बना के देखना, बहुत अच्छी बनती है। और ये चीनी है जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है, आप चाहें तो बूरा भी ले सकते हैं। ये देखिए, इसको डाल देंगे हम इसमें। गैस की फ्लेम मीडियम पे है, इसको भी मिला लेंगे हम। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था वो भी इसमें डाल देंगे, नारियल जो रोस्ट किया था वो भी डाल देंगे, और इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से मिल चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अगर आप चीनी ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मीठा आप ज़्यादा रख सकते हैं। ये देखिए, हो चुका है अच्छे से। अब हम डाल देंगे इसमें किशमिश। किशमिश को गैस बंद करके ही डालना है। किशमिश को भी मिला लेंगे इसमें आराम से। ये देखिए, इसके बाद हम इसका डो बना लेते हैं। हम मैंने लिया है ये 1/2 किलो मैदा, और मैदे में हम डालेंगे देसी घी। घी को मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, गरम कर लिया है हल्का, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। घी को मिला लेंगे अच्छे से मैदे में। ये देखिए, ये गरम है, तो आराम से ही इसको मिलाना है। हमने घी को मिला लिया है, अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी थोड़ा सा गुनगुना लेंगे, क्योंकि हम घी से इसको, पहले हमने घी डाला है तो घी इसमें अच्छे से मिल जाए, इसके लिए हमने पानी गुनगुना लिया है। और इसको अच्छे से इसका एक डो बना लेंगे, ना ज़्यादा नरम बनाएंगे ना ज़्यादा सख्त बनाएंगे, नॉर्मल इसका एक डो बनाना है अच्छा सा। ये देखिए, बन चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। हमने थोड़ा सा पार्ट ले लिया है, अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में।
छोटे छोटे पेड़े हम इसके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हमने ये पेड़े निकाल लिए हैं छोटे छोटे। अब इसको हम गोल कर लेंगे, हाथों से थोड़ा सा इसे चपटाना है। ये देखिए इस तरीके से दूसरा भी बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दूसरा भी बना लेंगे। इसको भी हम हाथों से ऐसे, ये देखिए हमने बना लिया। हम इसको बेल लेंगे। ये देखो हल्के हाथों से बेलना है, थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे अगर आपको बेलने में चिपकने लगता है तो। हल्का सा इसको आराम से बेल लेंगे पतला। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको बना लेंगे गुजिया। हमने गुजिया मेकर ले लिया है जिसमें हमने ये जो पूरी साइज में बेला है इसको हम डाल लेंगे और इसमें हम ये स्टफ मिला देंगे। एक चम्मच डाला है मैंने ये। इसको आराम से सेट करके और इसको बंद कर देंगे। इसको ज़ोर से दबाएंगे और ये जो बाकी का ऊपर आटा है इसको हम निकाल लेंगे। बिल्कुल ज़ोर से दबाना है। और ये देखिए बन चुका है। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। इसको हम एक चम्मच डाल देंगे, मैं भर के डाल रही हूँ एक चम्मच। आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको सेट कर लेंगे और बस इसको ज़ोर से दबा देंगे। इसको ढीला नहीं करना, अगर आप लूज़ करेंगे तो फिर ये लूज़ हो जाएगा और ये फट जाएगा, इसीलिए इसको पहले टाइट दबा के फिर ऊपर का आटा जो है उसको निकालना है। मैं आपको एक हाथ से बना के दिखा देती हूँ। अगर आपके पास गुजिया मेकर नहीं है तो आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए इसको हम आराम से ऊपर उठा के और चिपका देंगे उंगलियों से। अच्छे से इसको लॉक करना है ताकि ये बाहर ना निकले सूजी तलते टाइम। ये चिपक चुका है आराम से और इसको हम ऊपर से नीचे तक प्रेस करते आएंगे वहाँ से घुमा के। ये देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है ये, बिल्कुल भी झंझट नहीं है इसे बनाने में। ये देखो ये बन गया है। मैं आपको पूरा टिप एंड ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ, स्किप करके मत देखिएगा वीडियो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए बना लिया है मैंने। इस तरीके से मैंने सारे गुजिए बना लिए हैं। कुछ मैंने हाथ से बनाए हैं, कुछ मैंने गुजिया मेकर के बनाए हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है सरसों का तेल और इसमें मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। सारे गुजिए मैं एक एक करके इसमें डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम पे है। अब मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे आराम से अंदर तक। जो हमने मैदे में गूंथते टाइम घी डाला था उस घी से जो ये गुजिया का फ्लेवर है ये बहुत ही अच्छा आएगा, क्रिस्पी बनेगा ये। ये देखो आराम से इसको हम पलटा लेंगे। ये देखिए किस तरीके से कलर आ गया है इसमें। ये बन चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए देखने से ही आपको लग रहा है कि क्या ही कितना अच्छा फ्लेवर आया होगा इसका, कितनी क्रिस्पी बनी है। अब ये गर्म है, ठंडा होकर और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। इसको हम सावधानी पूर्वक आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम और बैच भी बना लेंगे। ये देखिए सारे बैच बना लेंगे इस तरीके से। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसीलिए मीडियम फ्लेम में फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे आराम से। ये देखिए मैंने सारा बना लिया है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप होली पे इसे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये। ये देखिए सब बन गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।